दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल DK क्लासेस बड़ौद पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ के बारे में। और बच्चों जैसे कि आप जानते हो कि हमारी आंसर की आज आ गई है, तो इसके आने के बाद अब जो बच्चों के मन में ख्याल है वो कट ऑफ का है। बच्चों आप परेशान मत हो, दोस्तों आप परेशान मत हो, जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाने वाली है क्योंकि इसके तीन रीजन है। आप सोम देख लेना, आप अपना अभी बता दोगे हाँ कि कट ऑफ इतनी ही कम जाएगी। तो बच्चों इसके जो तीन कारण है उनके ऊपर देख लेते हैं वे तीन कारण कौन कौन से। तो देखते हैं वे तीन कारण कौन से है। कारण नंबर एक, इस पेपर में जो इस बार थी वो निगेटिव मार्क थे। बच्चों जो इस पेपर में थे वो क्या थे इस बार दोस्तों, इस पेपर में निगेटिव मार्किंग। तो निगेटिव मार्क होने के कारण इसमें 1/4, पिछली बार जो हमारा पेपर हुआ था उसमें हमारी निगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस वाले में लेकिन निगेटिव मार्किंग थी। तो एक तो कारण ये हो गया हमारा। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है इस बार जो दोस्तों पेपर आया था वो बहुत ही हार्ड था। दोस्तों इस बार बहुत हार्ड पेपर था, SSC कांस्टेबल का जो दिल्ली पुलिस का ये पेपर हुआ है ये बहुत हार्ड पेपर था, इतना हार्ड आज तक का पेपर नहीं आया। और तीसरा कारण देख लेते हैं, तीसरा कारण जो डिपेंड है वो दूसरे पे ही डिपेंड है दोस्तों, क्योंकि पेपर हार्ड होने के कारण बच्चे पेपर देने नहीं गए, कुछ बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। ये तीन कारण है दोस्तों, और ये तीन कारण ही हमारे पेपर की मेरिट नीचे करेंगे, इन्हीं के कारण ये कट ऑफ नीचे जाएगी। आप स्वयं देख लेना, कट ऑफ ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, बहुत कम जाएगी। तो अब देख लेते हैं कट ऑफ कितने पे जाएगी। तो देखते हैं कट ऑफ के बारे में। दोस्तों मैं यहाँ पे पहले मेल के बारे में बता देता हूँ जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। इससे पहले हमें पिछली बार की कट ऑफ के बारे में जाना होगा। पिछली बार जो कट ऑफ थी वो दोस्तों हमारी कितनी थी, वो 72 से वो हमारी 77 नंबर तक थी। कितनी थी दोस्तों? 72 से 77 नंबर तक थी। इसमें सभी की बता रहा हूँ मैं, जनरल ओबीसी एससी एसटी के बारे में। तो इसमें जो ये मेरिट थी, हम पहले जनरल की बात कर लेते हैं, और इस वाली जो मेरिट थी ना दोस्तों इसमें बिना नेगेटिव थी, इसमें कोई नेगेटिव नहीं थी। जब बिना नेगेटिव में इतने नंबर आज पे मेरिट गई थी दोस्तों बिना नेगेटिव में, तो नेगेटिव में तो दोस्तों अपना अभी तो कम हो जाएगी, अपना अभी बताओ नेगेटिव में तो और भी कम हो जाएगी, क्योंकि बच्चे सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं करेंगे, और जो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उनका तो नंबर वैसे भी नहीं आने वाला, क्योंकि उनके गलत होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। तो इस बार हमारी मेरिट बहुत कम जाने वाली है, और दोस्तों कितने में जाने वाली है उस पे बात कर लेते हैं। पहले दोस्तों जो आंसर की आई है, आंसर की में जो बच्चों के नंबर है वो लगभग कितने से कितने हैं, इसमें जो मेल की बात कर रहा हूँ मैं, मेल के जो नंबर है वो दोस्तों 55 से 65 के बीच में घूम रहे हैं। जो मेल कैंडिडेट है उनके नंबर कितने हैं? 55 से 65 के बीच में घूम रहे हैं दोस्तों। और जो फीमेल है, फीमेल के कितने घूम रहे हैं? फीमेल के 40 से कितने तक का घूम रहे हैं? हमारे 55 नंबर तक का घूम रहे हैं। फीमेल के थोड़े से ज्यादा भी है, कुछ के थोड़े ज्यादा है, ठीक है। तो फीमेल के इतने नंबर तक आ रहे हैं बड़ी आसानी से। ये तो दोस्तों आ ही रहे हैं लगभग, जिनके थोड़ा इनसे कम है वो परेशान मत, उनकी शिफ्ट हार्ड थी, उनकी शिफ्ट इनके मुकाबले हार्ड थी, उन्हें नॉर्मेशन में ज्यादा नंबर मिलेंगे, उनको ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो मैं ये रो नंबर की बात करूंगा इस कट ऑफ में, ठीक है ना दोस्तों। मैं रो नंबर की बात करूंगा कि जितने हमारे आंसर की में आया उसके बारे में। तो देख लेते हैं जो जनरल की है, जनरल की कितने पे जाने के चांस है दोस्तों। जो जनरल की मेरिट जाएगी इसमें वो दोस्तों इसमें 62 से 64 तक का जाने के चांस है दोस्तों। कितने? 62 से 64 तक का जाने के चांस है इसमें जो जनरल की मेरिट जाएगी, ठीक है, मेल के बारे में। अब हम इसमें ओबीसी के बारे में बात कर लेते हैं। जो ओबीसी की मेरिट है वो इसमें कितने जाने के चांस है? वो 58 से 60 के बीच में जाने के चांस है दोस्तों। कितनी है? 58 से 60 के बीच में। अब एससी की बात कर लेते हैं। एससी की कितने पे है? एससी की जो मेरिट है वो इसकी 52 से कितने पे 54 तक का, बस इतने पे ही, ठीक है दोस्तों। अब एसटी की देख लेते हैं। जो एसटी है, एसटी की इसमें जो मेरिट जाएगी वो दोस्तों 50 पे ही रह जाएगी, बस 50 से एक दो नंबर कम ही रहेगी, ठीक है। ये तो हो गई मेल कैंडिडेट की बात। अब कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की बात। जो फीमेल कैंडिडेट है इनकी जो मेरिट है वो जनरल की बता देता हूँ दोस्तों, वो कितने पे जाएगी। जो जनरल की मेरिट है वो इनकी दोस्तों 52 से 55 के बीच में रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 52 से 55 के बीच में, फीमेल के लिए बता रहा हूँ। रो नंबर है जो हमारे आंसर की माँ है उनके हिसाब से बता रहा हूँ मैं दोस्तों, मैंने आपको नंबर बढ़ा के नहीं बता रहा, और यही यही मेरिट जो है ना ये सटीक मेरिट रहेगी, आप ध्यान रखना। मैंने ये जो किया है सर्वे
सर्वे किया है बच्चों का, सर्वे से ही ये पता चला है कि बच्चों के कितने कितने नंबर आ रहे हैं। तो ये जो है 52 से 55 तक का फीमेल की रहेगी। और अब हम ओबीसी के बारे में बात कर लेते हैं, जो ओबीसी की मेरिट रहेगी वो 48 से 50 नंबर तक रहेगी दोस्तों। कितनी रहेगी? 48 से 50 नंबर तक का फीमेल में। अब हम एससी की बात कर लेते हैं, जो एससी की मेरिट है वो तो 45 से ऊपर जानी ही नहीं है। कितनी दोस्तों? 45 से ऊपर जानी ही नहीं है। और जो एसटी है, एसटी की तो दोस्तों इससे भी कम लगेगी। कितनी लगेगी दोस्तों? एसटी की तो मेरिट बस ओनली 42 ही नंबर आएंगे, 42 से ऊपर नहीं जाएगी। तो दोस्तों ये है मेरिट, ये मैंने आंसर की के नंबर बताया है आपको, आंसर की के हिसाब से इससे फालतू मेरिट नहीं जाएगी, ठीक है। अब इनमें कुछ शिफ्टों को ज्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि उनका पेपर और भी हार्ड था, कुछ शिफ्टों को और भी फायदा होगा। जिनके कम नंबर आ रहे हैं वो परेशान मत होना, लेकिन जिनके इतने नंबर अभी आ रहे हैं आंसर की में, वो दोस्तों अपनी रेस की तैयारी में लग जाओ। और मैंने इसके फिजिकल की एक वीडियो बना रखी है जिसका मैंने आपको लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, आप ऊपर जाके इसके फिजिकल को चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, और यदि आप कितने नंबर आ रहे हैं तो आप अपनी रेस में अभी से शुरू हो जाओ, क्योंकि दोस्तों फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। और इसमें तो आपको पता है, इसमें आपको फिजिकल में 5 स्टेप से गुजरना होगा, मैंने उस वीडियो में सब बता रखा है फिजिकल में, आप देख लेना। तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाओ। ये थी आज की हमारी वीडियो, यदि आपको दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।